तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2, जिसको आज सिनेमाघरों में 40वां दिन चल रहा है। और दोस्तों यकीन करने वाली बात है, फिल्म की कमाई अभी भी रुकने वाली है नहीं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है, क्योंकि अपने 6वें संडे तक यानी कि फिल्म ने 38 दिनों में जो ऑफिशियल कलेक्शन किया वो तो किया ही किया, लेकिन 39वें दिन और 40वें दिन ये फिल्म वाकई तूफानी कमाई कर रही है और कई बड़े रिकॉर्ड ये फिल्म बनाने वाली है। मुझे हैरानी हो रही है कि 40 दिन फिल्म को हो चुके हैं लेकिन दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, मतलब सब जगहों पे अभी भी फिल्म के पास अच्छे खासे शोज हैं और यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी तूफानी कमाई कर रही है। तो फिल्म को आज 40वां दिन है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गदर 2 अपने पहले 39 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 40वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का टोटल कितना कलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म। अरे भाई साहब, इस फिल्म ने तो बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिनका साल 2023 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जहां दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के लिए फिल्म साल 2023 में सबसे पहले पठान और अब जवान, यह वाकई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड बना रही है, जो इतिहास बना रही है, वो वाकई देखने लायक और काबिले तारीफ है। आज से पहले ऐसा क्रेज, ऐसी कमाई कभी भी किसी फिल्म के लिए आपने नहीं देखी होगी जो जवान कर रही है। जवान फिल्म को आज सिनेमाघरों में 13वां दिन चल रहा है। तो फिल्म अपने पहले 12 दिनों में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है और वहीं आज 13वें दिन फिल्म कितना कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं गदर 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। और जब यह फिल्म रिलीज हुई, अपने पहले ही दिन से इस फिल्म ने बॉलीवुड के वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किए थे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको बनाने में सालों लगे थे, लेकिन गदर 2 ने ये सारे रिकॉर्ड एक ही झटके में तोड़ डाले। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 ने अपने पहले दिन जहां इंडिया से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की नेट कमाई की थी, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन 54 करोड़ रुपए का रहा था। लेकिन उसके बाद बात करूंगा मैं 38 दिनों के पूरे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, क्योंकि 38वें दिन फिल्म का था 6वां संडे, तो 38वें दिन फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 22 लाख रुपए और फिल्म की जो 38 दिनों की टोटल कमाई थी वो 520 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो चुकी थी। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 619 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 66 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 38 दिनों में फिल्म गदर 2 685 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से कर चुकी थी। इंडिया में नेट 38 दिनों में 520 और पूरे वर्ल्ड में 685। लेकिन अब बात करूंगा मैं 39वें दिन की, तो कहां रुकने वाली है अभी ये फिल्म। 39वें दिन फिल्म की कमाई रही 45 लाख रुपए की, लेकिन दोस्तों आज 40वें दिन फिल्म के कलेक्शन में हमें उछाल देखने को मिला है और पूरे इंडिया से फिल्म कमा रही है 55 लाख रुपए। तो फिल्म की जो 40 दिनों की टोटल कमाई है वो 521 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 687 करोड़ रुपए कर रही है और ये काबिले तारीफ है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल बात करूंगा मैं शाहरुख खान की फिल्म जवान की, तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो कर रही है वो शायद आज कभी किसी ने किया नहीं है। अपने पहले दिन 74 करोड़ 50 लाख रुपए की इंडिया से नेट कमाई करने के बाद फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद फिल्म ने अपने पहले 11 दिनों में 477 करोड़ 63 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 861 करोड़ रुपए हो चुका था। 12वें दिन फिल्म की कमाई रही पूरे इंडिया से 16 करोड़ रुपए और 13वें दिन आज ये फिल्म कमा रही है लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है वो इंडिया के अंदर 506 से 507 करोड़ रुपए 13 दिनों में इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 925 करोड़ रुपए हो रहा है और ये बहुत हैरान कर देने वाला है, क्योंकि गदर 2 अभी तक अपने लाइफ टाइम में यानी कि 40 दिनों में 521 करोड़ तक पहुंची है और वही जवान फिल्म अपने 13 दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, 506 507 करोड़ अपने पहले 13 दिनों में कर रही है, तो ये वाकई बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन दोस्तों गदर 2 या फिर जवान, आपको दोनों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा।